दोस्तों आज हम डिटेल्स में जानेंगे इंडिया की टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में। वो कौन सा जॉब है जो आपको अमीर बना सकता है। पिछले कुछ सालों से अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रहा है, लेकिन आप यकीन करिए अगर आपके पास अच्छे नॉलेज है और उसके साथ प्रॉपर स्किल्स भी है तो मेरे दोस्त आपका अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हम शुरू करेंगे हमारी लिस्ट नंबर 10 से। नंबर 10 पे है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। यह एक टेक्निकल प्रोफेशन है जो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों को बनाने का काम करते हैं। ये सभी प्रोग्राम्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाए जा सकता है। एक वेब डेवलपर होने के साथ साथ इन लोगों को डेटाबेस सिस्टम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये बेसिक लेवल से वेबसाइट बनाते हैं और इसके लिए कोड भी लिखते हैं। एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलप की सैलरी 3 लाख पर एनम से शुरू होकर एक्सपीरियंस होने के बाद 14 लाख पर एनम से भी ज्यादा सैलरी मिल सकता है। IBM, Dell, Chrome, Infotech जैसे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है। IT और कंप्यूटर साइंस की डिग्री होने से आप सॉफ्टवेयर डेवलप के करियर चुन सकते हैं। नंबर 9, इन्वेस्टमेंट बैंकर। यह एक लुक्रेटिव प्रोफेशन है जो बैंक्स और प्राइवेट फर्म्स को पैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में हेल्प करते हैं ताकि उनको हाई प्रॉफिटेबल रिटर्न मिल सके। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है। एक एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम आता है और एक एक्सपीरियंस पर्सन को 30 लाख पर एनम से भी ज्यादा मिलता है। एक्सिस कैपिटल, HSBC, Citibank, ICICI सिक्योरिटीज LTD आदि फिनेंस कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है। डिजिटल बैंकिंग, फिनेंस और इंटरनेशनल बैंकिंग जैसे MBA स्पेशलाइज कोर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए प्रिफरेबल रहते हैं। नंबर 8, डेटा साइंटिस्ट। अगले 20 से 30 साल डेटा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेस होगा। जिसके पास जितने डाटा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। शायद 10 साल पहले डेटा साइंस के इतने क्रेज नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम पे जो भी स्टूडेंट डेटा साइंस करियर बिल्डअप किए होंगे वो हाई डिमांड पे रहने वाले हैं। एक डेटा साइंटिस्ट के पास कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन, C++, जावा, इसके साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और अच्छी एनालिटिकल नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस को प्रॉफिटेबल और अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर डेटा एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। अमेजन, वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज में डेटा साइंटिस्ट के हाई डिमांड रहता है। एक फ्रेशर कैंडिडेट को एनुअल पैकेज 4 लाख से शुरू होकर एक्सपीरियंस होने के बाद 60 से 70 लाख भी मिलना कुछ बड़ी बात नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स डेटा साइंस पे कोर्स लेकर इसको अपनी करियर बना सकता है। नंबर 7, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स। इन जनरल मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की एक ब्रांच है। मशीन लर्निंग ML अब IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन आदि इंडस्ट्री में एक्टिवली शामिल है। इंडिया में ML अभी इनिशियल स्टेज में है। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत हाई रहने वाला है। IBM, Accenture, ITC, Infotech जैसे टॉप ब्रांड कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है। इनिशियल जॉब कैरियर में सैलरी की एनुअल पैकेज 5-6 लाख से शुरुआत होता है और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एनुअल पैकेज 20 लाख तक हाइक होता रहता है। इस जॉब के लिए आप कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और IT में BTech होना प्रिफरेबल है और भी हायर डिग्री होने से भी अच्छा है। नंबर 6, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स है, जो हमारे देश में एकमात्र अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वर्तमान टाइम पे इंडिया में यह प्रोफेशन के लोग बहुत कम है और डे बाई डे भारत में टैक्स पेयर की संख्या बढ़ती जा रही है। सो CA की हाई डिमांड रहता है। एक फ्रेशर CA को 6 से 7 लाख पर एनम मिल जाता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ बड़ी कंपनीज 20 से 30 लाख पर एनम देने को भी तैयार है। कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स ICAI की CA कोर्स सक्सेसफुली कम्प्लीट करने के बाद इसमें कैरियर कर पाते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि CA की एग्जाम क्लियर करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि CA इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप बताएं कि आप अभी कौन से जॉब में हैं या कौन सी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर। नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर और AI इंजीनियर। AI इंजीनियर एक टेक्निकल पर्सन होते हैं जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं और वो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसकी ऑपरेशन को एनालाइज करते हैं, ए सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे इसके ऊपर वो मेंटेनेंस करते हैं। फ्यूचर में आने वाले सभी टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होगा। एक फ्रेशर AI इंजीनियर की एनुअल पैकेज 6 लाख से शुरू होता है और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एनुअल पैकेज 14 लाख से भी ज्यादा होता है। नंबर 4, प्रोडक्ट मैनेजर्स। इंडिया में बहुत तेजी से डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहा है। IT से लेकर रिटेल, टेलीकॉम, FMCG, बिग डेटा कंपनीज आज हर घर हर कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। सो इसके लिए उन सभी कंपनीज को बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग और मैनेजमेंट चाहिए। आने वाले टाइम पे इंडिया में प्रोडक्ट मैनेजर्स की हाई डिमांड रहेगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस मैनेजर की जरूरत होता है। इनिशियली सैलरी पैकेज 7-8 लाख पर एनम से शुरू होकर 20 लाख पर एनम से भी ज्यादा मिलता है। यह प्रोफेशन में डिग्री से ज्यादा एक एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। नंबर 3, ब्लॉकचेन डेवलपर।
ब्लॉकचेन एक रिवोल्यूशनरी सेक्टर है जो हमारे इंटरनेट से लेकर डेटा सिक्योरिटी और करेंसी ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ी चेंज ला रहा है। यह टेक्नोलॉजी वेब एप्लीकेशन के जरिए मिडिलमैन को हटा के सिस्टम के स्पीड और रीच को बढ़ा रहा है, और आज के डेट में ब्लॉकचेन डेवलपर की जितनी डिमांड है उतना मैन पावर नहीं मिल रहा है। सो आपके लिए टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज में जॉब करना अभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक ब्लॉकचेन डेवलपर की एनुअल सैलरी पैकेज 8 लाख से शुरू होकर 40 लाख से ज्यादा सैलरी मिलता है। इस जॉब के लिए आपको आईटी और डेटा साइंस के बैकग्राउंड होना चाहिए और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नंबर टू, मेडिकल प्रोफेशनल। डॉक्टर रहना एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको रेस्पेक्ट देने के साथ साथ अच्छी इनकम भी देता है। यह एक एवरग्रीन एंड हाई इनकम जॉब है। डॉक्टर बनने के लिए MBBS की बेसिक डिग्री होना चाहिए और यह कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल है। बेटर सैलरी और पोजीशन के लिए आपको मेडिसिन और सर्जरी जैसा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहता है। यह प्रोफेशन में एवरेज सैलरी 10 लाख पर एनम से 20 लाख पर एनम रहता है। नीट, एम्स और जिपमर जैसे मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करके आप डॉक्टर होने के ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर। नंबर 1 पे है कमर्शियल पायलट। केवल पक्षियों में उड़ने की एबिलिटी होती है और हम मनुष्यों को भी पक्षियों जैसे आसमान में उड़ने का चाहत होता है। इसके अलावा कोई लोगों को विदेश यात्रा की सपना भी होता है, तो अगर आप उनमें से एक है आपके लिए पायलट के करियर एक बेस्ट ऑप्शन है। एक कमर्शियल पायलट की एनुअल एवरेज सैलरी 15 लाख से शुरू होकर 50 लाख से भी ज्यादा होता है। वाह, कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इस रिलेटेड सब्जेक्ट पे कोर्स की हो एंड मोर प्रेफरेबली फिजिक्स मैथमेटिक्स लेकर इसमें करियर बना सकता है। इसके साथ साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना बहुत जरूरी है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में फिजिकल फिट होना भी पड़ता है। सब फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से जॉब के बारे में जानकारी सबसे अच्छा लगा और आपके हिसाब से फ्यूचर में कौन से जॉब की डिमांड सबसे हाई रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स आपके वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो हमारे टॉप 10 व्हाट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड गुड बाय।